दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महा मुकाबले को अब मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में इंटरनेट पर इन दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच जमकर तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले दिए गए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के बयान को लेकर भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली ने गुस्से में आकर उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। विराट कोहली के इस बयान ने सारी दुनिया में सनसनी मचाकर रख दी। तो आखिरकार ऐसा क्या कह दिया विराट कोहली ने, इसे जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज, नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबले को लेकर जहां एक तरफ सारी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों देशों के खिलाड़ी भी इंटरनेट पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए एक बयान दिया था जिसके सामने आते ही पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। और बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय टीम को हमारे खिलाफ मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारतीय टीम को इतनी आसानी से हरा दें। हम चाहते हैं कि वो हमें अच्छी टक्कर दें और उसके बाद ही हम उन्हें हराएं, क्योंकि पाकिस्तान कोई जिम्बाब्वे नहीं है जो भारत से हार जाए। शायद भारतीय अपनी पिछली दो हारों को भूल गए हैं। कोई बात नहीं, इस एशिया कप में हम उन्हें इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि वो दोबारा पाकिस्तान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बाबर आजम द्वारा दिए गए इस बयान पर पूरे भारतवर्ष में उनके लिए गुस्सा देखने को मिल रहा था। और आज सुबह भारतीय टीम जब यूएई पहुंची तो वहां पहुंचते ही भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बाबर आजम को उनकी इसी बात का जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर सारी दुनिया विराट कोहली के लिए तालियां बजा रही है। विराट कोहली ने बाबर आजम को जवाब देते हुए कहा, बाबर आजम अपने देश के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और हो सकता है कि वो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी भी हों, लेकिन भारत पर टिप्पणी करने से पहले शायद वो अपना दिमाग घर पर भूल गए थे, इसी कारण उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने भारत और जिम्बाब्वे सीरीज की बात कही लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं है कि इस दौरे के लिए हमारी मुख्य टीम तो गई ही नहीं थी और वहां तो हमारी टीम बी गई हुई थी और हमारी बी टीम ने ही जिम्बाब्वे की टीम को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करके सीरीज पर कब्जा जमा लिया। हमारी मुख्य टीम तो एशिया कप में मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। विराट कोहली ने आगे कहा कि बाबर आजम हार जीत की बात कर रहे हैं लेकिन लगता है वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान 2017 से पहले तक भारत से एक मुकाबला जीतने के लिए तरस रहा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हो सकता है कि आप एक मैच जीत गए हों लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आपको इतना घमंड हो जाए। शायद उन्हें एक बार स्टैट्स चेक कर लेने चाहिए। बाबर आजम शायद कई सालों से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन हमारे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने तो हाल ही में भारत के लिए खेलना शुरू किया। और जहां तक आंकड़ों की बात करूं तो गिल ने वनडे में बाबर से ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज के खिताब अपने नाम किए। बाबर आजम हमारे एक युवा बल्लेबाज के बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, वो हमसे बराबरी करने की बात तो कर ही क्यों रहे, समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन एशिया कप में अधिक रन बनाएगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।